Hello everyone, this is your host Sabiha Kausar and I am here with another exciting video. We will be exploring different career options you can adopt after doing Doctor of Pharmacy. Guys, आपने परेशान नहीं होना कि आपके पास jobs नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बहुत अच्छे options available हैं, but आपने सही option का सही वक्त पर सिर्फ इंतखाब करना है और ऐसे option का जो आपकी personality को suit करता हो. क्योंकि अगर option आपकी personality को suit नहीं करता, आपकी nature के साथ match नहीं करता, तो then ना तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे और आप मेंटली सेटिस्फाई भी नहीं होंगे, आप अपने काम को एंजॉय नहीं करेंगे. इसीलिए मैं अपने तमाम जूनियर्स को सजेस्ट करती हूँ कि वो समर वेकेशंस में जरूर इंटर्नशिप्स करें. यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस फॉर इंटर्नशिप लाइक हॉस्पिटल फार्मेसी, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप, इंडस्ट्री. गो फॉर देम एंड एक्सप्लोर दैट ऑप्शन. आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि क्या वो जॉब आपकी नेचर को सूट करती है या नहीं. So here we will be exploring or going through different options what you have. Like all other departments, there are two options, either private job or government job. सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि government job से please बाहर निकल आइए. ऐसा कुछ खास नहीं है government job में जो आजकल की private companies offer नहीं करती. Almost all benefits are there in private companies as compared to government job. हाँ, pension नहीं मिलती, वो वैसे भी government खत्म कर रही है. So guys, we will be exploring all options one by one. So first I will talk about production or industry. In industry you have three options: production, quality assurance, quality control. Like आपकी personality ऐसी है कि आप एक composed work environment में काम करना चाहते हैं, 9-to-5 job करना चाहते हैं, तो आपकी personality को ये job suit करती है. बट इसमें क्या होता है कि ऑल टाइम आपकी जो आपको रहना है एक कम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे रहना है जहाँ पे ऑल टाइम मशीन की आवाज़ होगी. अगर आप उसके साथ टॉलरेट कर सकते हैं देन गो फॉर दैट ऑप्शन. बट सैलरीज यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी कम होती है, बट टाइम के साथ आप जब ग्रो करते जाते हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है. बाकी जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं वो अगर एक अच्छी कंपनी है फार्मास्यूटिकल तो वो आपको वो सारे पर्क्स एंड बेनिफिट देगी. और अगर आप इस कैरियर में फर्दर ग्रो करना चाहते हैं तो देन गो फॉर एमएस इन फार्मास्यूटिक्स और यू कैन गो फॉर एमबीए एज वेल. बट एमबीए जो है वो आप ऑपरेशंस में कीजिएगा, वो आपको हेल्प आउट करेगा. सो इसके साथ साथ एक और ऑप्शन है आपके पास, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप. लाइक हम अपनी कैटेगरीज रेंट आउट कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप के लिए, बट वहाँ पर हम जॉब भी कर सकते हैं. देयर आर सम कंपनीज लाइक मोलर एंड फेब्स एलीगोर कंपनी विच आर अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप हु ऑफर्स जॉब टू फार्मासिस्ट. एंड हमारे कुछ सीनियर्स हैं जो एज अ डिपो मैनेजर, ब्रांच मैनेजर वो भी काम कर रहे हैं. सो यू कैन गो फॉर दैट ऑप्शन एज वेल. वहाँ पर सैलरीज अच्छी हैं, पर्क्स एंड बेनिफिट ऑल कंपनीज के होते हैं लाइक मेडिकल इंश्योरेंस एंड सम अदर बेनिफिट्स. बट आपने उन पर्क्स एंड बेनिफिट को सेल्स एंड मार्केटिंग से कंपेयर नहीं करना. उसके बाद हम आ जाते हैं टीचिंग की तरफ. सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन लाइक अगर आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप पे काम कर रहे हैं तो देन यू मस्ट गो फॉर एमबीए इन सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस. दैट विल हेल्प आउट यू. सो अगर हम बात करें उसके बाद जो है वो रेगुलेटरी अफेयर्स की, so there are two kinds of regulatory affairs job. One is which is based in some pharmaceutical industry. वहाँ पर आपने काम करना है, वहाँ पर आपका काम जो होगा वो dossier compilation और इससे related सारे काम होंगे. और आप as a consultant भी काम कर सकते हैं. लाइक जिस तरह companies जो होती हैं वो कराची based होती हैं, तो आप as a consultant भी काम कर सकते हैं कि आप उनको, क्योंकि जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफिस है दैट इज बेस्ड इन इस्लामाबाद, तो वो इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल नहीं कर सकते होते जिन कंपनीज के अपने एस्टेब्लिश रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट नहीं होते. तो आप एज अ कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं कि जस्ट प्रोवाइड देम कंसल्टेंसी सर्विसेज कि आप उनके बिहाफ पे उनकी जितनी भी डोजियर सबमिशन है उसका फॉलो अप है वो काम कर रहे होते हैं. बट दिस इज मोर लाइक अ क्लैरिकल जॉब. लाइक अगर आपने फ्रीलांस करना है दिस इज अ गुड ऑप्शन कि आप स्टडी कर रहे हैं और आपने साथ में फ्रीलांस करना है टू मीट योर एक्सपेंसेस और टू अर्न सम मनी, देन दिस इज अ गुड ऑप्शन टू वर्क एज अ प्राइवेट कंसल्टेंट. सो देयर इज एन अदर ऑप्शन विच इज सेल्स एंड मार्केटिंग, जिसको जो बहुत ही हमारी इंडस्ट्री की या हमारे फार्मास्यूटिकल सेगमेंट की एक लुक्रेटिव जॉब है जिसमें पर्क्स एंड बेनिफिट बहुत अच्छे हैं. बट अगर आपकी नेचर फ्लेक्सिबल नहीं है बिकॉज इसमें फिक्स टाइमिंग्स नहीं होंगी, आपको लाइक आपकी असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट की बेसिस पे टाइम जो है वो ऑफिस में भी स्पेंड करना पड़ता है और फील्ड में भी,
यू हैव फील्ड विजिट एज वेल, आपको ट्रैवल बहुत ज्यादा करना पड़ता है. सो दीज आर सम थिंग्स यू हैव टू अडॉप्ट विद देम. अगर आपकी नेचर ऐसी है कि आप ट्रैवलिंग को पसंद करते हैं, आपकी नेचर फ्लेक्सीबल है, अडॉप्ट कर सकते हैं चीज़ों के अकॉर्डिंगली, तो देन गो फॉर इट, बिकॉज इसके पर्क्स एंड बेनिफिट बहुत अच्छे हैं. बट बिफोर गोइंग टू सेल्स एंड मार्केटिंग, आपके लिए जो MBA इन मार्केटिंग है दैट इज मैंडेटरी, आप उसको लाजमी करें. So these are the few options I discussed over here. There are also some other options like hospital pharmacy. हमारे पास different hospitals हैं, like Aga Khan Hospital, Shifa International. इसके अलावा भी काफ़ी hospitals हैं जहाँ पर pharmacists काम कर रहे हैं. So अगर आपको एक compact environment में, like I talked before, कि अगर आपको एक compact environment में job करनी है तो आप distribution पे जा सकते हैं. उसके साथ साथ जो है वो आप hospital pharmacy की तरफ भी जा सकते हैं. वहाँ पर जो इनिशियल सैलरी है दैट इज लेस, बट ऑब्वियसली जब आप एक अच्छी हॉस्पिटल का पार्ट होते हैं तो इंस्टेंट ऑफ जस्ट रेंटिंग आउट योर कैटेगरी आप वहाँ जाकर काम करें. सो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, आप एक क्लोज इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं. अगर आपका माइंड जो है वो बिजनेस माइंड है, आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट आपके पास है, तो आई विल सजेस्ट दैट गो फॉर रिटेल फार्मेसी ऑप्शन. आप छोटा सा अपना एक सेटअप स्टार्ट करें और एज अ रिटेल फार्मासिस्ट आप काम करना स्टार्ट करें. उसके साथ साथ ऑब्वियसली अगर आप फर्दर ग्रो करना चाहते हैं तो आप MBA या वो कर सकते हैं. इसके अलावा जो हमारे पास जॉब्स हैं दैट आर, अगर जो है इसमें आप करना चाहते हैं, टीचिंग की तरफ जाना चाहते हैं, आपका पैशन लाइक आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, आप एक अच्छे डेमोंस्ट्रेटर हैं, तो आप टीचिंग की तरफ भी जा सकते हैं. देन आप अपनी स्टडीज को MPhil PhD उसके लिए कंटिन्यू कर सकते हैं. बट अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप हॉस्पिटल में रहें या आप रिटेल फार्मेसी पे रहें, तो देन जो हमारे पास फर्दर एजुकेशन होती है जो आपके कैरियर पाथवे को स्ट्रेंथन करती है, दैट इज मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ. वो आपके जो हेल्प आउट आपको काफ़ी करेगा. बट जहाँ पर भी जिस भी कैरियर में अगर आपने मैनेजरियल पोजीशन तक आप एस्पायर कर रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि आपको MBA जो है वो बहुत हेल्प आउट करता है. सो दीज आर द फ्यू ऑप्शंस वी हैव इन पाकिस्तान, और जहाँ पर हम अपना कैरियर स्टार्ट करके ग्रो कर सकते हैं. ऑलमोस्ट सब जगह पर जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन आर इंस्टीट्यूट यू आर गोइंग टू ज्वाइन, कि वो आपको क्या ऑफर कर रहा है. मस्ट एवेल्युएट देम और आप अपनी एक रैंकिंग बना लें. बट आई सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग यूर टाइम फॉर अ गुड ऑप्शन, आपको जो भी इन हैंड ऑप्शन है उसको आप यूटिलाइज करें टू गेन सम एक्सपीरियंस, और उसके बाद जब आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी मिले तो आप वहां पर ज्वाइन कर लें. सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन इन यूर माइंड यू वॉन्ट टू आस्क, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट एंड आई वुड लव टू आंसर दैट. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.